सो हे गाइस, कैसे आई होप कि आप सब खुशी होगे। बहुत दिनों बाद लेट वीडियो डाल रहा हूँ, पर आज आपको मैं कुछ अलग से जर्नी दिखाना चाहता हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं 100 जर्नीज। पर हमारी कुछ जर्नी नहीं रहेंगी, आप इस अलग कोच में आपको इस बार कुछ ट्रैवल कराने वाला हूँ। आपने जनरल क्लास में ट्रैवल किया होगा, स्लीपर क्लास में ट्रैवल कराएंगा, एसी क्लास में ट्रैवल भी कराएंगा या फिर प्रीमियम क्लास में भी ट्रैवल कराएंगा। पर आपको इंडियन रेलवे के स्टाफ के कोच में आपको मैं पूरा आज का इंटीरियर दिखाने वाला हूँ। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो स्पेशल रहने वाला है। जो ट्रैक मशीन होती है जिसपे हमारे इंडियन ट्रेन बहुत तेजी से दौड़ती है, जो ट्रैक पूरा उसको मेंटेन करती है मशीन, उनके जो स्टाफ का जो पूरा कैसा क्या रहता है, पूरा उनका रहना, पूरा आज हम कोच में रद दिखाने वाले है। चलो फिर शुरू करते हैं। और मैं हूँ अभी किनवट रेलवे स्टेशन पर, और जिस कोच में आपको दिखा रहा हूँ इस कोच में मैं भी रह रहा हूँ। मैं भी रेलवे की इसमें मशीन पर, ट्रैक मशीन पर वर्क कर रहा हूँ। एक 7-8 महीने से कम उस कोच में रह रहा हूँ। आप भी देखिए क्या फैसिलिटी है, आप भी एंजॉय कीजिए। चलो फिर शुरू करते हैं। आज हम इस कोच के अंदर जाके इंटीरियर चेक करेंगे। अभी तो लॉक लगा है, इसकी चाबी तो मेरे पास ही है। चलो लो कोच ओपन करते हैं और चलते हैं कोच के अंदर। ये कोच का दृश्य। चलो आज हम फिर कोच का भी जरा इंटरव्यू लेते हैं। इस साइड में तो पूरे हमारे स्लीपर रखे गए हैं सबके यूज़ करने के लिए। इस साइड में हमारा वाशरूम बेसिक है। इस साइड में ड्रम में पानी ज़रा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, इसलिए साथ में गीज़र दिया है। गीज़र में भी ज़रा गर्म पानी मिलता है, ठंडी के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। साथ में मिरर प्लस है। और इधर हमारा टॉयलेट है, पर एक्चुअली हम टॉयलेट कुछ यूज़ करते नहीं, टॉयलेट हम बाहर यूज़ करते हैं, सिर्फ ओनली शूज़ रखने के लिए हमारा यूज़ होता है। चलो फिर आगे चलते हैं। और इस साइड में अब हम चलते हैं कोच के अंदर। कोच मीन्स कोच बोले तो यहाँ पे जो डब्बा है उसको कोच बोलते हैं रेलवे के लैंग्वेज में। पहले हम सबसे पहले जाते हैं हम किचन में। ये हमारा किचन, किचन में आए हमारा गैस इस साइड से है। साइड में एग्जिट फैन दिया है पूरा गर्म हवा निकलने के लिए। और इधर एक्वा गार्ड का भी मशीन दिया लिए। इधर फ्रिज दिए वाला है। फ्रिज तो अभी क्या है, फ्रिज में फ्रिज तो खाली होगा, फ्रिज में तो अभी हमारा कुछ सामान है ही नहीं, फ्रिज पूरा खाली है। अभी आज संडे, आज बाजार भरना है इसलिए कुछ फ्रिज एम्प्टी आप भरेंगे। चलो आगे और चलते हैं कोच की ओर। इस साइड में हमारी सीट, याली जो सीट दिख रही है आपको ये मेरी है, ये बैग भी मेरी है, हेडफोन मेरे है। अभी थोड़ी देर पहले फ्रेश हुआ हूँ, टायर भी मेरा ही सूख रहा है। इस बार इसमें हमारे 4 पर्सन रेस्ट कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे नीचे सामने ड्रॉप दिया, इसमें हमारा सामान गिमान रखने की सब सुविधा है। और इधर गर्मी का भी समय चलता तो फ्रेन कूलर की भी सुविधा दिया है, ऊपर मिरर दिया है हमारे कोच में। चलो फिर और आगे चलते हैं कोच की ओर। इस साइड में अंधेरा दिख रहा है, इस साइड में एक और रूम है, एक बार खोलता हूँ। इस साइड में दूसरा रूम है, यहाँ पर हमारे जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन सब यहाँ पे रेस्ट करते हैं, उनका एक कैबिन दिया है, एयर कंडीशन है। बाकी और आगे चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट जगह। इस साइड के डोर पर अब हम आ चुके हैं हमारे हॉल में। सामने हमारा सोफा, इधर डाइनिंग टेबल, साथ में प्लस टीवी भी है। इसमें अलमारी में हमारा पूरा बुक रखे है, एयर कंडीशन हॉल। और इसमें आज खाना हमारा आज का जो बना था इसमें तो राइस ख़त्म होने को आ गया। इसमें आज सोयाबीन वड़ी की सब्ज़ी बनी है, देखो लेट पीस जैसा दिख रहा है पर भेजे, इतना कुछ चिंता मत करो। इस टाइप दिखता हमारा कुछ VCM मशीन का। और सभी ट्रैक मशीन को सेम तरीका का दिया जाता है कुछ। और इस साइड में हमारे जो सुपरवाइज़र है JSSC, ये यहाँ पर रेस्ट करते हैं। ये भी एयर कंडीशन है, प्राइवेसी है, इस साइड से भी डोर लगता। बाकी जो पहला टेक्नीशियन का केबिन दिखा है उस साइड में बस सेम टू सेम ऐसा ही केबिन है ये भी। चलते हैं और आगे। अब नेक्स्ट इस जगह आ गया हमारा स्टोर रूम। स्टोर रूम की कुछ हालत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा सामान रखा है। हाँ जनरेटर भी दिया रहा है इसमें। बाकी इधर हमारे डीजल के ड्रम, ऑयल के ड्रम, इस साइड में बेल्ट है, जो मशीन के कुछ कुछ बेल्ट ख़राब हुए तो उसमें चेंज कर सकती है। और इस साइड से दो डोर दिए एग्जिट के लिए, सामने उस साइड में भी दो डोर है, इस साइड भी दो डोर है। ये कोच का हमारा दृश्य। अभी तो कोच में पानी भर रहे हैं, यहाँ से पाइप देखो पूरा लगा यहाँ पे, इधर फिल कर रहे पानी। ऊपर टैंक रहता जो 650 लीटर के आसपास ड्रम रहता, उसमें देखते हैं अभी 1-2 घंटे में हो जाएगा पानी। वीडियो अगर अच्छे लगे सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। चलो फिर चलते हैं, बाय।
वेस्ट निकाले, वेस्ट फेंकेंगे। हाँ ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेसियम 5715 6 9 ओके।